मैं जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल ब्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? सो गाइस, एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं आपके सामने। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, वो भी घर पे, बहुत ही टेस्टी, वो भी झटपट बन जाएंगे। ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं है, 3 से 4 जो कि घर में मिल ही जाते हैं हर घर में, उन इंग्रीडियंट्स को लेकर हम बनाएंगे अपने बेसन के लड्डू, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको इंग्रीडियंट्स। लिया है 2 कप बेसन, 1 कप शुगर पाउडर, कुछ बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए, ये हमने घी को मेल्ट कर लिया है, ये हमारा घी है, और इसके अंदर हमने इलायची पाउडर मिक्स कर रखा है ऑलरेडी। तो आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप अलग से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर चीनी में पहले से मिक्स करके रख सकते हैं। तो अब हमने रख लिया कढ़ाई गैस पे, गैस ऑफ कर लिया हमने ऑन, अब इसको हम गर्म होने देंगे। इसमें अपना घी, अब देख सकते हैं हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी थी, अंदर बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं हम, इसे जल्दी से चलाना शुरू कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, बेसन चलना शुरू हो जाएगा। और इसे लगने नहीं देना है, और फ्लेम को लो पे रखा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब देख सकते हैं हमारा घी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर, और अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है, बेसन को लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से एकदम भून जाएगा ना तो क्या होगा, घी अपने ऊपर इससे अलग हो जाएगा और एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाएगी बिल्कुल, देख सकते हैं हल्का हल्का पतला होने लग चुका है। तो हमें इस लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा अगर बीच में छोड़ देंगे तो। देखते हैं बिल्कुल पतला हो चुका है, इसका घी अलग होने लग चुका है बेसन के से, तो एकदम ये लिक्विड होने लग गया। थोड़ा सा और भुनेंगे इसे हम अभी, और कंटिन्यू से चलाते रहेंगे। तो अभी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा, पानी छोड़ देगा, फिर वो लड्डू नहीं बन पाएंगे। हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, प्लेट या कोई थाली ले लेंगे, क्योंकि हम गर्म में अभी ऐड नहीं कर सकते चीनी को, नहीं तो क्या होगा कि वो चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर इसके हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो इसे पहले ठंडा होने देंगे हम, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारा बेसन बिल्कुल भून के तैयार हो चुका है, हम जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड है, तो इसे भी ठंडा होने देंगे हम। ये हमारा शुगर पाउडर जिसके अंदर इलायची पाउडर है, अभी हम इन बादाम को थोड़ा कट कर लेते हैं गार्निशिंग के लिए जब तक ये ठंडा होता है। बस इनको ऐसे ही काटेंगे ताकि अपने लड्डू के ऊपर लगा सकें गार्निशिंग के लिए। हमने अपने बादाम, अभी इनको एक एक लड्डू के ऊपर आधा आधा बादाम हम चिपका देंगे, इसे वो करेंगे हम चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ठंडा हो जाए, और फिर इसके हम लड्डू बनाने हैं। करेंगे इसके अंदर अपना शुगर पाउडर मिक्स और इसे चलाएंगे अच्छे से। अच्छे से कर दिया हमने मिक्स, देख सकते हैं शुगर पाउडर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे अपने हिसाब से, आप उसकी शेप साइज रख सकते हैं, बड़ा बनाना बड़ा, छोटा बनाना छोटा। ये बन चुका हमारा लड्डू, और इसके ऊपर चिपका दिया हमने अपना बादाम, तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा हमारा बेसन का लड्डू। अब ऐसे ही सारे मिक्सर बना दिया लड्डू, हमारे लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी। सो गाइस, तब तक मजा उठाता अपने लड्डुओं का, और आप भी जल्दी से आके रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना कैसी बनी है। और मेरी तो बहुत टेस्टी बनी है गाइस, और मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगा अभी के अभी में। सो वीडियो में ही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप देना, मैक्सिम शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद, डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।